तो इधर जबलपुर में इस बार ईद उल फितर का त्यौहार भी राजनीतिक रंग में रंगा हुआ नजर आया है। एक तरफ जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दे रहे थे, तो वहीं कुछ मुस्लिम युवक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 40 युवाओं ने ईद के मौके पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। विधायक अभिलाष पांडे ने कार्यालय में इन युवाओं ने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का वचन भी दिया। जबलपुर संस्कारधानी के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मुस्लिम भाइयों ने आज ईद के दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और साथ ही उन्होंने इस बात का संकल्प भी लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमतों से अपने अशफाकउल्ला खां और साथ ही मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड के अंतर्गत उत्तर मध्य विधानसभा में प्रचंड बहुमतों से जिताएंगे। आज ईद का पावन दिन है और उस दिन यदि इतने बड़ी बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने सदस्यता ली है तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।